कानपुर में आजकल जो चल रहा है वो सामान्य से कहीं अधिक है। कानपुर के शीशामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर की MP MLA कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेशी हुई। इरफान के भाई रिजवान को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने जाजमाऊ आगजनी केस में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों को 3 जून को दोषी करार दिया था। विधायक इरफान, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इजराइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ को MP MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया था। नाजीर फातिमा की ओर से 8 नवंबर 2022 को जाजमा उठाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। विधायक समेत कुल 12 लोग गिरफ्तार हुए थे। महिला ने सभी पर अपना घर जलाने का आरोप लगाया था। इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में उनकी विधायक की जाना तय है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अब इरफान 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। आजम खान और उसके बेटे की तरह इरफान सोलंकी की भी विधानसभा सदस्यता रद्द होना तय है। ऐसे में कानपुर की शीशामाऊ विधानसभा में उपचुनाव होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शुक्रवार को सजा की सुनवाई के लिए रिजवान समेत सभी आरोपियों को कोर्ट लाया गया। रिजवान ने कहा कि हम दोनों भाई बेगुनाह हैं, इंसाफ होगा। KDA सरकारी संस्था और हमने KDA से प्लाट खरीदा। कहा कि इंसाफ होकर रहेगा, ये फर्जी मुकदमा है, बेगुनाही की काट रहे हैं जेल, ऊपर वाला है। इरफान सोलंकी पर कुल 19 मुकदमे दर्ज हैं। 7 नवंबर 2022 को इरफान समेत अन्य 12 लोगों पर FIR दर्ज हुई थी। इस केस ने सपा विधायक को पूरी तरह तबाह कर दिया था। गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद विधायक और उनके गैंग की करीब 30 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। हाल ही में ED ने छापेमारी की थी। अखिलेश यादव भी उनसे मुलाकात करने कानपुर जेल गए थे। बाद में इरफान को महाराजगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया था।